मेरे चैनल में, जिसका बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। जैसे हमने, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम बेसिक्स डाल रहे हैं। पहले बेसिक्स में हमने सबसे पहले आर्टिकल शुरू किया था, जिसका तीनों का ए एंड द कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं वो बता दिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं डिटरमाइंस। डिटरमाइंस क्या है और आर्टिकल्स में क्या अंतर है। आर्टिकल्स जब आपको पेपरों में आता है किसी में भी लिखने के, भाई फिल आर्टिकल, आर्टिकल भरो, तो हम खाली ए एंड द लिखते हैं। मगर जब डिटरमाइंस आता है तो उसमें क्या क्या आता है मैं आपको बताने लगी हूँ। जैसे उसमें जब डिटरमाइंस आएगा तो उसमें ए एंड द भी आएगा, उसके बाद सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल, वन टू थ्री, ही, शी, इट, यू, वी, दे, दिस, दैट, दीज, दोस, ईच, एवरी, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। हम जैसे आपको मालूम है ए एंड द हमने कहाँ पढ़ना है, मगर अगर डिटरमाइंस आए तो उसमें ये भी डालने आपको जरूरी है, खाली स्थान इससे भी पढ़ने पड़ेंगे। आज हम दो चीजें करेंगे, सम एनी और मच मैनी। सम एनी में और मच मैनी में जो ज्यादा करके आते हैं, सम और एनी का मतलब क्या है और कहाँ इस्तेमाल होता है। सम एनी मीन्स जैसे वे कुछ, दोनों का मतलब एक ही होता है कुछ। जैसे हम पूछना हो, सम के जब हम वहां लिखते हैं जहां हम चीज को गिन सकते हैं, जैसे इसका है आई हैव सम एप्पल्स, मेरे पास कुछ सेब हैं। अब एनी क्या है, एनी वहां जहां हम यूज करते हैं जहां तक क्वेश्चन हो, प्रश्न पूछा हो या नहीं मैं जवाब देना हो। इज देयर एनी लेटर फॉर मी, क्या मेरे लिए कोई पत्र है आपके पास, ये क्वेश्चन है, तो उसमें एनी आ जाएगा। इसी तरह से मच और मैनी है, मच मैंने भी ज्यादा होता है, मैनी मैंने भी ज्यादा होता है। दोनों में अंतर क्या है, जो मच है वो हम वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पे हम चीज को गिन नहीं सकते। जैसे है हाउ मच शुगर डू यू वांट, आपको कितने चीनी चाहिए, तो हम उसको गिन नहीं सकते, हम तोलते हैं उसको, वहां पे हम मच लगा देंगे। और जो हम मैनी है, जैसे हम कहते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में कितने बच्चे हाजिर हैं, तो उसमें क्या है हम बच्चों को गिन सकते हैं, जहां हम गिन सकते हैं तो हमने वहां पे मैनी लगा दिया है। सो आज जो हम करेंगे वो सिर्फ चार चीजें गए, सम, एनी, मच, मैनी। आपको मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ होता है। एक बार मैं फिर कह रही हूँ, जहां जिन चीज हम गिन सकते हैं, जहां हाँ मैं हो तब वहां पे हम सम लगाएंगे। प्रश्न पूछा हो, कहीं भी प्रश्न पूछा हो, उसमें जो है एनी आएगा, क्योंकि आगे ऑप्शन जरूर दिया होता है सम एनी में से कुछ भरो, तो उसमें एनी डालना है। अगर नहीं मैं भी देना हो, नो में हो, नेगेटिव में हो, तब भी एनी आएगा। इसी तरह मच और मैनी है, जहां हम गिन सकते हैं चीजें, गिन सकते हैं स्टूडेंट्स के अलावा कोई भी चीज, हम इंसान को गिनना, जानवर को गिनना, किसी चीज को भी गिन सकते हैं, उनमें मैनी लगा देंगे। जहां नहीं गिन सकते हम, दूध चाहिए, पानी चाहिए, क्या भी चाहिए, तो उसके आगे हम मच लगा देंगे। सिर्फ इतना सा आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी मच मैनी सम एनी को भरने में। आज सर हमारा काम इतना ही है, बस ये चार चीजें करके कल को जो हम वीडियो में बनाएंगे वो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल और द लिटल, इसको हम करेंगे। अगर मेरी ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश करिए कि अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।